सचिव आपदा विनोद कुमार सुमन ने रविवार को कपकोट में आपदाग्रस्त इलाकों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। सचिव ने कपकोट में केदारेश्वर मैदान के आसपास होने वाले बाढ़ सुरक्षा के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान सचिव ने केदारेश्वर मैदान के समीप एनडीआरएफ भवन का भी निरीक्षण किया। जवानों को रहने खाने पीने की व्यवस्थाओं को देखा। सचिव ने एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर सपन दुबे को निर्देशित किया कि आपदा के दृष्टिगत जवानों को हर गाँव में भेजकर लोगों को आपदा से राहत एवं बचाव कार्य के लिए प्रशिक्षण देकर जागरूक करें। उल्लेखनीय है कि इन दिनों आपदा को लेकर कपकोट में एनडीआरएफ के 34 जवानों की टीम को तैनात किया गया, जिन्हें कपकोट से हर गांव में भेजने के निर्देश सचिव ने दिए, ताकि गांव के लोग आपदा घटित होने पर राहत एवं बचाव को लेकर प्रशिक्षित हो सके। इस दौरान एनडीआरएफ के जवानों द्वारा स्थानीय संसाधन से बनाए गए आपदा बचाव उपकरणों का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें पानी की खाली बोतलों से बनाई गई बोतल राफ्ट, तेल के खाली कनस्तर से निर्मित टिन राफ्ट, थर्माकोल से बनाई गई लाइफ जैकेट और दो खाली बर्तनों से बनाई गई हांडी राफ्ट का प्रदर्शन किया। सचिव ने इस अभिनव कार्य के लिए एनडीआरएफ की प्रशंसा की और इसका प्रशिक्षण कर हर गांव में भी देने को कहा। तत्पश्चात सचिव ने क्षेत्रीय विधायक सुरेश गड़िया, जिला पंचायत जिलाध्यक्ष बसंती देव, डीएम अनुराधा पाल एवं अन्य अधिकारियों के साथ आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। सचिव ने हरसिंघा बगड़, काफली, कमेड़ा, मोटर मार्ग, सोंग बड़े सड़क मार्ग का निरीक्षण करते हुए पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को अवरुद्ध सड़क मार्ग को तेजी के साथ सुचारू करने के निर्देश दिए तथा स्थायी जरूरी सुरक्षात्मक कार्यों के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अतिवृष्टि के कारण उक्त सभी सड़क मार्ग जगह जगह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। आबादी क्षेत्र मुनार में सरयू नदी के कटाव से बाढ़ सुरक्षा के कार्य किए जाने की ग्रामीणों द्वारा मांग की गई। इसके बाद सचिव आपदा विनोद कुमार सुमन ने विधानसभा कपकोट में आपदा से क्षतिग्रस्त हुए परिसंपत्तियों को लेकर अधिकारियों, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ तहसील सभागार में बैठक की। सचिव ने अवरुद्ध सड़क मार्गों को यातायात के लिए तुरंत बहाल करने के निर्देश पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई निर्माण विभाग को दिए। सचिव ने कहा कि अतिवृष्टि से सड़क मार्ग पर को सुचारू करने तथा मलबा को तत्काल हटाने के लिए शासन से जिले को धनराशि दी जा चुकी है। जिन मशीनों का भुगतान नहीं हुआ है उनका सत्यापन करके भुगतान की कार्यवाही की जाए। सचिव ने कहा कि गांव में बिजली पानी की आपूर्ति सुचारू रखी जाए, क्षतिग्रस्त बिजली और पेयजल लाइनों को ठीक किया जाए। सचिव ने अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के ही योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाए। यदि परीक्षण के उपरांत प्रस्ताव गलत पाए गए तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। डीएम ने सचिव को अवगत कराते हुए कहा कि विधानसभा कपकोट के सड़क मार्ग के चिन्हित संवेदनशील स्थानों पर जेसीबी मशीनों की तैनाती की गई है। विभागों द्वारा आपदा से हुई परिसंपत्तियों के नुकसान के आकलन बनाए जा रहे हैं। जल संस्थान, पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, सिंचाई विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि विभागों को 15 दिन के भीतर आपदा मानकों के अनुरूप क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल ने विधानसभा कपकोट में आपदा प्रबंधन के तहत किए गए प्रबंधों और इंतजामों के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अब तक कपकोट में आपदा से हुई क्षति के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि वर्तमान तक 142 पशुओं की हानि हुई है तथा 2 आवासीय पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं और 7 आवास तीक्ष्ण और 40 भवन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती बिष्ट, विधायक सुरेश गड़िया, अपर जिलाधिकारी एनएस नबियाल, उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुमार आदित्य तिवारी, जिला पंचायत सदस्य प्रभा गड़िया, विक्रम शाही, मुख्य शिक्षा अधिकारी जीएस सोन, ईई लोनीवी, एके पटेल, सिंचाई जगत सिंह बिष्ट, पीएमजीएसवाई अमरशीन रावत, तहसीलदार आरएस बिष्ट, आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। बागेश्वर से नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आज मैं सर्वप्रथम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपदा प्रबंधन नियमावली में बदलाव हुए हैं, जो संशोधन हुए हैं, वो पहाड़ के लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ आपदा आती थी और बहुत कम पैसा हमको मिलता था और उस पैसे से बहुत अच्छा काम नहीं हो पाता था, तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमको भरपूर मात्रा में पैसा दिया है। और उसके निमित्त अभी जब मैं विधानसभा सत्र के दौरान गैरसैंण में था, तभी माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों में ये तय हुआ कि माननीय सचिव आपदा प्रबंधन
विनोद सुमन जी को कपकोट बागेश्वर जिले के भ्रमण के लिए भेजा गया और उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज हमने जो जो सड़कें बदहाल और आपदा के कारण से टूटी हुई थी तो सभी सड़कों का निरीक्षण करा दिया है और स्वयं भी सचिव विनोद सुमन जी और जिलाधिकारी बागेश्वर, SDM कपकोट और जिले के सभी अधिकारी और सभी जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, सभी जगह के लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं और हमने वहां से आने के बाद सभी विभागों के विभागाध्यक्षों से बातचीत की है और जो एस्टिमेट बने हैं उन एस्टिमेटों में संशोधन के साथ साथ जो नई गाइडलाइन जारी हुई है आपदा की उसके तहत एस्टिमेट बनाने के साथ वो कामों को पूरा करने के लिए सचिव विनोद सुमन जी ने सभी विभागों को निर्देशित किया है और मैंने भी सभी अधिकारियों को कहा है कि हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको कष्टों से दूर करने के लिए, उनके कष्टों को हरने के लिए हम देवदूत बनकर उनको सहयोगी के रूप में आगे बढ़ सकें और जिनके कारण से उनके कष्ट दूर हों इस दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि कपकोट विधानसभा बहुत आपदाग्रस्त क्षेत्र पहले से ही है तो इसलिए हमारी कोशिश होगी कि नई तकनीकी के साथ हम इन जगहों को कैसे ठीक कर सकें, कैसे सड़क, बिजली, लोगों के आवास और लोगों के रास्ते और लोगों के जो सार्वजनिक चीजें हैं, अस्पताल, स्कूल, सभी चीजों को ठीक करने की दिशा में हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से, आम जनता से निवेदन है कि जो भी काम जिन क्षेत्रों के अंदर हो रहे हैं तो उन कामों की मॉनिटरिंग करना, उसकी देखरेख करना सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी भी है और सब लोगों को खुल के उसका पहल भी करना चाहिए। अगर काम कहीं गलत हो रहा है तो उसका लोगों ने कड़ा विरोध भी करना चाहिए। अगर तब भी अगर कोई नहीं मानता तो सुझाव के साथ साथ वो अपनी शिकायत हमारे ऑफिस तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। और सभी अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है कि कोई भी काम हो वो काम मजबूती के साथ आगे बढ़ सके और कपकोट की जनता और यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको कष्ट न हो उस दिशा में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से हम कपकोट को विकास के साथ साथ और भी सुविधाजनक बनाने के लिए तत्पर हैं। तो मैं अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और कपकोट की देवतुल्य जनता का तहे दिल से उनका अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ।